हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई भर्ती के संबंध में आप सभी के सामने खबर पेश कर रहा हूं। वो खबर है दोस्तों, नवल शिपयार्ड पोर्ट ब्लेयर रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन मोटर ड्राइवर OG एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 2021। तो यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये भारत का कोई भी नागरिक इसमें फर्म है वो अप्लाई कर पाएगा। दूसरी बात, ये एक ऑफलाइन वैकेंसी है। क्या है? ऑफलाइन वैकेंसी है, यानी कि इसमें जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑफलाइन होगा। आपको इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी साथ में संलग्न करके एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको ये फॉर्म है भेजना होगा। अब ये कहाँ पर भेजना है, इसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कितना वेतन इसमें मिलेगा, कब से लेकर कब तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसके माध्यम से आप फॉर्म भेजेंगे, इस प्रकार की सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ सिविलियन मोटर ड्राइवर ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन इंडस्ट्रियल। दोस्तों, ये नॉन गजेटेड और नॉन इंडस्ट्रियल पोस्ट है, और मोटर ड्राइवर यानी कि आपको गाड़ी चलानी है। अब इसमें दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वो आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा। कहाँ भेजना होगा? अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ का एड्रेस मैं अभी आपको नीचे बताऊँगा, वहाँ पर भेजना है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करें पोस्टों की, तो सबसे पहले हम पोस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दे रखा है, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड लेवल इन द पे मैट्रिक्स लेवल 2। इस प्रकार से अनरिजर्व्ड की 7 पोस्ट हैं टोटल, OBC की 4 पोस्ट हैं, SC की 1 है, ST की 1 है, EWS की 1 है। टोटल मिलाकर आपको 14 पोस्टें यहाँ पर देखने को है वो मिल रही है। ESM यानी एक्स सर्विस मैन की भी एक पोस्ट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनको मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ सुइटेबिलिटी PWD यानी कि जो ये आपके जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, द पोस्ट ऑफ सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इज नॉट आइडेंटिफाइड सुइटेबल फॉर PWDS यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर कोई आवेदन के लिए अलग से छूट नहीं है, न ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो ये कोड काम लिया गया, UR अनरिजर्व के लिए है, SC शेड्यूल कास्ट के लिए, ST शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है, ESM एक्स सर्विसमैन के लिए है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, ये दिखाया गया है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, रिजर्वेशन आपको है यहाँ पर मिलेगा। आगे मैं बात करता हूँ एज और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं, सिविलियन मोटर ड्राइवर। एज की बात करें तो एज इसमें 18 से 25 रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं सीधी सी बात करूँ तो आप 10वीं पास होने चाहिए, पहली बात। नंबर 2, आपके पास में HMV लाइसेंस होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास में 1 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। आपको HMV लाइसेंस बनाने के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आपके पास में है तो आप इसमें पात्रता रखते हैं और आप अपना इसमें फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सीधी सी बात है, आपसे गाड़ी है वो चलवाई जाएगी। अब आगे बात करते हैं एज रिलेक्शंस, एज में छूट किस प्रकार से मिल सकती है। तो SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, और ESM एक्स जो सर्विस मैंने पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स यानी कि ये छूट आपको यहाँ पर दी जा रही है। अब बात करते हैं कि जो डेट है कब से काउंट होगी। तो जो डेट है, मतलब कि इसकी जो डेट है सर, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज यानी कि जो आपका इसमें लिखा गया है, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइन द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स इन इंडिया, एग्जाम्पल 50 डेज। यानी कि इसमें है वो आपको 50 दिन का टाइम है वो मिलता है। जैसे माना कि इसमें जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया है वो 19 फरवरी को आया है, माना कि 19 फरवरी को आया है। तो अब जो आपकी जो ये डेट है वो काउंट कब से होगी, ये मतलब 19 फरवरी प्लस 50 दिन के साथ में आपकी होने वाली है। अब मैं बात करता हूँ आगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन इसका किस प्रकार से होगा। शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशंस सबसे पहले, मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नंबर 2, स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, आपका रिटर्न एग्जाम दिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम में सिलेबस क्या क्या रहेगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यानी कि सबसे पहले बात करें जनरल इंटेलिजेंस और अवेयरनेस एंड रीजनिंग जिसे कहते हैं, 30 नंबर का आएगा। जनरल इंग्लिश के 10% आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20% आएंगे, अवेयरनेस
इन रिलेवेंट फील्ड यानी कि जो ड्राइविंग स्किल है वहाँ से 40% है आपको पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जो ये विस्तार से इसमें सिलेबस है वो बताया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर वो ओनली पोर्ट ब्लेयर में रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, इसके संबंध में आपको इन वेबसाइट्स के माध्यम से दोबारा से बाद में आपको सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद में आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद परीक्षा के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब ओपनिंग डेट के बारे में बात करते हैं कि ओपनिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट कब है। तो 19 फरवरी 2022 को ये फॉर्म है वो निकले हैं और इसके बाद में आपको 50 दिन का टाइम है वो मिलता है, 50 डेज। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कि 19 फरवरी से 50 दिन जब तक होते हैं तब तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म अप्लाई करके इसे फॉर्म को भर देवें। यहाँ पर ये बताया भी गया है इलस्ट्रेशन यानी कि एक रेखांकन, माना कि इफ़ द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, अगर 1 अगस्त 2021 को एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट मतलब कि पब्लिश होता है, क्या होता है, पब्लिश होता है कब, 1 अगस्त 2021 को, तो ओपनिंग डेट भी कब से मानी जाएगी, 1 अगस्त 2021 से मानी जाएगी। ये दोस्तों क्या है, आपको एक उदाहरण के रूप में बताया गया है। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से जो ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट है वो नहीं लिखी गई है, ये इसमें ये लिखा गया है कि भाई एग्जाम्पल अगर 1 अगस्त 2021 को एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार पत्र है उसमें अगर ये खबर छपती है तो आपकी ओपनिंग डेट भी 1 अगस्त से ही मानी जाएगी। और 50 दिन उसको कब होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, 19 सितंबर 2021 को होते हैं, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये इसमें एग्जांपल के रूप में बताया गया, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमारा यहाँ पर 19 फरवरी को नोटिफिकेशन निकला है, 19 फरवरी प्लस 50 डेज है आप इसमें काउंट है वो कर सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये वैकेंसी पहले की है वो है, यहाँ पर एज एग्जांपल आपको ये डेट यहाँ पर मेंशन की गई है जो यहाँ पर अगस्त की 2021 की गई है, तो आप इसको वैसे नहीं देंगे। अब नंबर में आगे बात करता हूँ 10 पॉइंट की, हाउ टू अप्लाई एंड होम टू एड्रेस, आपको अप्लाई कैसे करना है और कौन से एड्रेस पर आपको भेजना है। तो आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि द एप्लीकेशन शुड बी ऑन प्लेन पेपर A4 साइज, गुड क्वालिटी पेपर शुड बी यूज, आइदर नेल्टी हैंड रिटन और टाइप्ड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अफिक्स्ड विथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स ड्यूली अटेस्टेड बाय सेल्फ, द एनवेलप मस्ट बी क्लियरली सुपरस्क्राइब्ड ऑन द टॉप एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आपको यहाँ पर जो आपका इनवेलप यानी जो प्रपत्र है आप जो इसमें लिफाफा भेजोगे उस पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, एंड कैटेगरी भी आपको यहाँ पर पास में है वो लिखनी है, ठीक, यानी कि आपका जो लिफाफा होगा उस पर ये लाइन आपको लिखनी है, एप्लीकेशन जो नाम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, और आपको ये इस मतलब को इसको भेजना कहाँ पे है, ये आपको भेजना है कमांडर सुपरिंटेंडेंट फॉर OI और CRA रिक्रूटमेंट और सेल नवल सिप रिपेयर यार्ड PBR यानी पोर्ट ब्लेयर, पोस्ट बॉक्स नंबर 705 हाडो पोर्ट ब्लेयर 744-102 साउथ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, यानी कि इस एड्रेस पे आपको क्या है अपना जो ये फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना होगा, ये पूरा एड्रेस आपको वहाँ पर लिखना होगा। अब इसमें आप फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान रखोगे, सबसे पहली बात है 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इन ब्लू बैकग्राउंड्स विदाउट एनी स्पेक्टेकल्स कवरिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द फेस एंड आई शुड बी स्टेपल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड ऑन द रिजर्व साइड ऑफ द फोटोग्राफ्स, द फोटोग्राफ शुड मैच विथ द फोटोग्राफ पेस्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको इसमें एक तो एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो भेजनी है, इसके अलावा 2 फोटोज आपको अलग से भेजनी है जो सेल्फ अटेस्टेड हो, इसके अलावा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के रूप में आपका जो सर्टिफिकेट है जो आपकी है 10वीं या 12वीं की जो भेज रहे हैं, इसके अलावा आपको 10वीं की मार्कशीट आपको यहाँ भेज देनी है डेट ऑफ बर्थ की क्लैरिटी के लिए, इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर भेज देना है, इसके अलावा आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है टेस्टिमोनियल सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस जो भी है आपके पास में वो भेज देना है, इसके अलावा आप एक्समैन है तो एक्समैन का आपको भेज देना है, EWS का है तो EWS का भी आपको है वो भेज देना है, और
एनओसी, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी आपको भेज देना है। किसी भी प्रकार की जो ये फॉर्मेट वगैरह है, इनका फॉर्मेट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे। इस वेबसाइट को आपको विजिट करना, उसमें पर्सनल आपको मिलेगा, पर्सनल में सिविलियन पेज मिलेगा, उसमें आपको ये फॉर्मेट है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक खाली लिफाफा आपको इसके अंदर डाल के भेजना है, ए सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलॉफ, यानी कि एक खाली खाली लिफाफा वो भेजना है, उसकी साइज 23x13 होनी चाहिए, विथ पोस्टेज स्टाम्प RS 45 यानी कम से कम 45 रुपये की जो डाक टिकट है वो उसके ऊपर छिपी हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, जो ये भर्ती है, इस भर्ती में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लगभग इसमें बता दी है। बाकी इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, पूरा रीड करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे मैंने जो इम्पोर्टेंस था वो सब कुछ आपको बता दिया है। अब इसमें ये यहाँ पर है कि अगर आप कोई चीटिंग करते हैं तो आपको किस प्रकार से बाहर किया जा सकता है, तो ये चीज़ें अलग हैं। यहाँ से अब आपको देखो ये फॉर्म स्टार्ट होता है, रिक्वायरमेंट इन द इंडियन नेवी इज एब्सोल्युटली फेयर फॉर एनी क्लेरिफिकेशंस, इस प्रकार से ये मतलब दिया गया है कि आप इसे संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये फॉर्म जो है वो आप स्टार्ट होता है। ये आपको काम में नहीं लेना है, ये ऑफिस के लिए यूज होगा। यहाँ से आपको फॉर्म फिल अप करना है, फ़ोटो यहाँ पर है चिपका देनी है, और सेल्फ अटेस्टेड भी करनी है, पोस्ट का नाम लिखना है, नेम, फादर, डेट ऑफ बर्थ, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग डेट को आपकी डेट क्या हो रही है, नेशनलिटी है, जेंडर है, रिलीजन है, परमानेंट एड्रेस है, एड्रेस ऑफ कॉरपोरेंस, पत्राचार का पता, ईमेल आईडी आपको भर देनी है। थोड़ा सा मैंने इसको चूक कर दिया है। कॉन्टैक्ट या मोबाइल नंबर आपको लिखना है, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं, आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई येस और नो आपको यहाँ पर, वेदर एक्समैन के बारे में, लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्मी, लेंथ मतलब कितने साल तक आपने नौकरी की है, कैटेगरी के बारे में है, वेदर चेकिंग एज लिसेंस, क्या आप एज में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की है, तो ये आपको भर देना है। यहाँ पर आप 10वीं और 12वीं कोई भी एक, 10वीं तो भरनी है, 12वीं है तो यहाँ पर 12वीं भी भर देनी है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस HMV के बारे में आपको डिटेल है वो भरनी है, और यहाँ पर नीचे एक्सपीरियंस जो अटैच सर्टिफिकेट आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको भर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी आपका पहचान चिन्ह आपको लिख देना है, जैसे दाएं बाएं गाल पे कुछ भी, ललाट पे या जो चिन्ह है आपकी वहाँ पे कुछ भी, कोई अगर सिंबल है कुछ भी है, मतलब आपकी पहचान चिन्ह हो। यहाँ डेट लिख देनी है, यहाँ डेट लिख के यहाँ लेफ्ट थंब इंप्रेशन कर देना है, और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, प्लेस आपका गांव का लिख देना है, और इस फॉर्म को है आपको भेज देना है। तो मैंने दोस्तों पहले बता दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक इसमें अप्लाई कर पाएगा। दूसरी बात, इसमें टोटल 14 पोस्टों के लिए आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। तीसरी बात, इसमें 18 से 25 साल की उम्र के लिए अभ्यर्थियों के लिए अप्लाई फॉर्म है। 5 साल SC ST के लिए और OBC के लिए 3 साल की इसमें छूट है वो दी गई है। इसके अलावा ऑफलाइन आपको फॉर्म भर के भेजना है, क्या भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना है। 5वीं बात मैं बता देता हूँ, ये 19 फरवरी को नोटिफिकेशन निकला है, 19 फरवरी प्लस 50 दिन आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें ध्यान रखें। अगर आप 10वीं पास हैं, आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, जर्नलिस्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, HMV अगर आपके पास में लाइसेंस है और 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिखित परीक्षा होगी, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो बाद में आपको ये जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी जॉब यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की सहायता के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं, उस पर व्हाट्सअप के माध्यम से आप कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। फिर भी दोस्तों मैं बता देता हूँ, किसी भी ड्राइवर भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ड्राइविंग स्किल से संबंधित कोई भी बुक अगर आपको चाहिए तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, वहाँ पर मात्र आपको नाम मात्र की शुल्क पे 25-30 रुपये में, 50 रुपये में आपको इसकी बुक है वो अवेलेबल होती है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। ड्राइविंग स्किल से संबंधित सबसे बेस्ट बुक है जो आपको यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म स्टडी एट होम पे मिलती है। जो पहले से ले चुके हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सही जगह से, सही स्थान से और सही समय पर बुक्स है वो ले ली है, और आप अच्छा सा इसमें अपना अध्ययन है वो कर रहे होंगे। बहुत शानदार कंटेंट हमारे द्वारा इसमें प्रिपेयर किया गया है और आपको प्रोवाइड किया गया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पर ड्राइविंग से संबंधित दे सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप दोस्तों हमारा कोर्स है वो ले सकते हैं। कोर्स देने के लिए स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, इसमें और कोर्स में जाना होगा
और कोर्स में आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर के नाम से कोर्स मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो वैकेंसी है वो जून 2022 में आने वाली है। कब आने वाली है? जून 2022 में। तो अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस में भी आने वाली है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप समय से पहले इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें, तो ही आप इसमें अच्छा स्कोर वो कर पाएंगे, और अच्छा स्कोर ही आपकी सफलता का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो साबित होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो व्हाट्सअप करें, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।